तो जैसे कि आपको पता है, हम निकल पड़े हैं अपने मिशन के लिए, वो है मिशन कोको एंड स्नोफॉल, जिसके लिए हमें जाना है मुंबई से ऑल द वे टू मनाली। बट इसमें काफ़ी सारे पड़ाव है। तो पहला पड़ाव हमने पार किया था, वो था मुंबई से अहमदाबाद, और आज है हमारा दूसरी पड़ाव की बारी, जो है मुंबई से जोधपुर। तो चलिए ये कारवा शुरू करते हैं और आपको भी साथ ले चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जर्नी स्टार्ट करें, एक बहुत ही ज़रूरी काम करना था, वो था ये। तो इन भाई साहब के पट्टी के चक्कर में ऑफिशियली अभी हम लोग निकल रहे 7 बजे फ्रॉम अहमदाबाद, 5 का 6, 6 का 7। बने रहिए आप हमारे साथ। वाह, और हमारी जर्नी शुरू हो गई अहमदाबाद से जोधपुर के लिए। अब यकीन मानिए, ये जो रास्ता है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सीनिक है। आसपास जंगल है, बीच में से आप जा रहे हो, एंड इतना ट्रैफिक भी नहीं था यहाँ पे, ना ट्रक्स थे ना गाड़ियाँ इतनी थी, आप अपने स्पीड में मज़े में चल रहे हो, नेचर का लुत्फ़ उठा रहे हो। ओके पीपल, तो अभी हम लोग पहुँच गए राजस्थान में, जस्ट एंटर किया है, 15 मिनट हो गए, हल्का सा ब्रेक लिया है, बज चुके हैं 10:45, वो खा रहा है खाना उसका, और सो फार जर्नी इज़ गोइंग गुड। गर्मी है बट राइड अच्छा चल रहा है, रास्ता छोटा हो गया तो स्पीड कम हो गई है, बट कोई नहीं, अपन स्पीड के लिए कोई रेस नहीं लगा रहे यहाँ पे। तो अभी यहाँ से तकरीबन और 2.5 घंटा लगेगा, 2.5-3 घंटा। अब ऐसे ही रास्तों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए जोधपुर, और आज का हमारा होटल था होटल दसपान, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन जोधपुर। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट द एमिनिटीज एंड द हेरिटेज प्रॉपर्टी दैट इट इज़ अमेजिंग। उसका खाना भी काफ़ी बढ़िया है, एंड डोंट वरी, आई एम नॉट पेड फॉर दिस, एक जेन्युइन, एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। जोधपुर में होटल्स की काफ़ी कमी है, पेट फ्रेंडली होटल्स की, तो हमें काफ़ी दिक्कत हुई होटल ढूंढने में, बट फाइनली हमें दसपान मिल गया। तो अब पहुंच के हमने डिसाइड किया कि चलो साइट सीइंग निकल जाए, जल्दी पहुंच गए, बट अगेन कर्फ्यू, द ग्रेट कर्फ्यू ने हमें रोक दिया, क्योंकि जो साइट सीइंग के स्पॉट थे वो थे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे, एंड हम ऐसे टाइम पे थे कि जहां हम किसी भी स्पॉट पे पहुंचे कर्फ्यू स्टार्ट हो जाता। तो वी डिसाइडेड टू स्टे बैक एंड कॉल इट अ डे, बिकॉज कल की जर्नी भी थी, और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है, ये जर्नी है काफ़ी लंबी और हमें हर दिन की तैयारी पहले करनी होती है, प्लस हमें कोको के आराम का भी ख्याल रखना होता है, बिकॉज बच्चा है एंड फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा है हमारे साथ इतना। तो ये सब सोच समझ के हमने डिसाइड किया कि लेट्स कॉल इट अ डे, विल मीट यू टुमारो। सो बस आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉय इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर इन्जॉय किया तो कुछ कमेंट कर दो प्यारा सा। तो मिलते हैं कल नए डेस्टिनेशन पे, नए जर्नी पे और नए रास्ते से। टिल देन टेक केयर, बाय।